सोलन में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा आए दिन नशे का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसके चलते आज सोलन लक्कड़ बाजार एसोसिएशन ने जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा सोलन को ज्ञापन सौंपा और नशे के व्यापारियों पर नकेल कसने का आग्रह किया। एसपी सोलन ने कहा कि पुलिस नशे के काले कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है, जिसके लिए वह विशेष अभियान चलाकर नशे के कारोबारियों की धरपकड़ भी कर रही है और उनका ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। लक्कड़ बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चिंता जताते हुए कहा कि सोलन में नशे का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे हिमाचल भी उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे की ओवरडोज से युवाओं की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कम उम्र के युवा इस नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं और वह ज्यादातर सिंथेटिक ड्रग्स उपयोग में ला रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आज एसपी सोलन से मुलाकात की और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि एसपी सोलन ने जो सहयोग व्यापारियों से मांगा है वह उन्हें देने के लिए तैयार है। सोलन शहर में हो रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आज लक्कड़ बाजार एसोसिएशन के सभी व्यापारी भाई आज एसपी सोलन जी से मिले हैं और उनको एक ज्ञापन देकर ये मांग करी है कि सोलन शहर में जो नशे का कारोबार हो रहा है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इन नशों की चपेट में आ रहे हैं और पिछले कुछ समय पहले सोलन में कुछ युवाओं की इन नशों के ओवरडोजों से मृत्यु भी हो चुकी है। तो हम एसपी सोलन से यही मांग करेंगे जिला प्रशासन से कि जो भी लोग इस कारोबार को कर रहे हैं या जो भी लोग इस नशे को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे सोलन के अंदर केमिकल नशे का जो है प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है और सबसे बुरी बात यह है कि ये छोटे छोटे बच्चों से ज्यादा फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे इस नशे की गिरफ्त में हैं और माँ बाप को पता भी नहीं लग पाता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, जब तक कि वो पूरे उसमें फंस ना जाएं। और साथ ही साथ हमने ये मांग करी कि सोलन के अंदर भी एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, क्योंकि जिन लड़कों को या जिन लोगों को इसकी लत पड़ गई है उन्हें इससे मुक्ति दिलाने के लिए सोलन में कोई व्यवस्था नहीं है। के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि सोलन के अंदर कहीं भी आप इस तरीके का अगर कोई भी नशा करते हुए व्यक्ति को पाते हैं या आपको इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो कृपया आप एसपी को दें। हो सकता है कि अगली मौत आपके बच्चे की हो अगर आप इसके खिलाफ सजग नहीं रहेंगे, आपके किसी अपने की हो। तो इस नशे के खिलाफ हम सबको एक रहना है और एसपी साहब की मदद भी करनी है।